हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक तड़के की रेसिपी। इसे छिलके वाली मूंग दाल से तैयार किया जाता है। इसे ज़्यादातर रोटी, नान, कुलचा, पराठा इन सारी चीज़ों के साथ खाया जाता है, चावल के साथ नहीं खाया जाता है। इसे ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में और बारिश के मौसम में खाया जाता है। तो मेरी रेसिपी को पूरे एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं इसमें चॉप किया हुआ जिंजर ऐड कर रही हूँ और संगे संगे चॉप किया हुआ अनियन ऐड कर रही हूँ। और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अनियन यहाँ देखिए फ्राई हो चुका है। इसे ऐसे ही लाइट कलर में रखना है। उसके बाद मैं इसमें टमाटो और अनियन की पेस्ट डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और सॉल्ट। अब इन मसालों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि जो मसाले की रॉ स्मेल वो चले जाए। तो देखिए मसाला यहाँ फ्राई हो चुका है और मसालों से तेल भी निकल चुका है, एकदम पानी नहीं है। अब इसी स्टेज में हम दाल ऐड कर देंगे। ये मैंने प्रेशर कुकर में 3 सीटी देकर उबाल लिया था इसे। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों में। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चिकन मसाला पाउडर, क्योंकि ये एक तड़का है इसीलिए। और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनना पड़ेगा, क्योंकि दाल की एक रॉ स्मेल होती है, ताकि वो चले जाए। तो देखिए यहाँ मसाला और दाल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और अच्छी भून भी चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी चॉप किया हुआ टमाटो, चॉप किया हुआ ग्रीन चिली और चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीफ। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से उबालने के लिए छोड़ दूंगी। और बीच बीच में हमें इसे 2-3 बार चलाना पड़ेगा। तो देखिए ये रेडी हो चुका है, पानी भी बिल्कुल सूख चुका है, एकदम नहीं है इसमें। अब मैं इसमें अंडा भुर्जी डाल दूंगी। अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट कर बताएं कि कैसा हुआ। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।